इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आईफोन के अंदर फिल्टर अननोन सेंडर्स ये फीचर कहाँ पर हमें मिलता है एंड ये काम कैसे करता है, ये भी मेन इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीचर मिलता कहाँ पर और वर्क किस तरीके से करता है। थोड़ा सा ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तब सब कुछ समझ में आएगा आपको, अदरवाइज़ आप सारी चीज़ें मिस कर देंगे अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप मैसेजेस को काफ़ी ज़्यादा कम या रिसीव करते हैं तो ये आपके लिए फीचर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फीचर मिलता कहाँ पर है। तो जब हम यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाते हैं और मैसेजेस ऐप में जाएंगे सिंपली, उसके बाद हम इसे भी खोल लेते हैं और सबसे नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर अननोन एंड स्पैम आपको दिख जाता है, तो इसे खोलते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ये क्या रहते हैं, देखिए इसको बंद या चालू करने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जैसे हम इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये मैसेजेस ऐप में मैसेजेस को सेपरेट लिस्ट में कन्वर्ट करती है। जैसे कि आपके कोई ट्रांजेक्शन के मैसेज हैं तो ट्रांजेक्शन के मैसेज अलग हो गए, ऑर्डर्स के मैसेज हैं तो ऑर्डर्स के मैसेज अलग हो गए, अगर आपके जानने वालों के मैसेज आते हैं तो वो अलग आ जाते हैं एक लिस्ट में, अननोन के आते हैं तो एक अलग लिस्ट आती है, ऐसी 6-7 लिस्ट ये क्रिएट कर देता है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। जो देखिए, जब आप मैसेजेस ऐप में जाएंगे, ठीक है, मैं खोलता हूँ यहाँ पर इसे, और उसके बाद जब यहाँ पर आप देखेंगे तो फिल्टर आपको एक दिखाई देगा, इस पर जाते हैं तो ये फिल्टर लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम इस फीचर को जो है यहाँ पर बंद कर देते हैं सेटिंग्स को, तो ये फिल्टर यहाँ से हट जाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं आएगा, एडिट का ऑप्शन आ रहा है बस। तो ये फीचर का काम रहता है यहाँ पर इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।